हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा होगा कि भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। आइए उस पूरी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करेंगे। क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन पोर्टल पर जाते हो तो आपके पास कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन। नाउ द पॉइंट इज दैट कि क्या है रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कमिंग सून लिखा हुआ है, इट्स ओके, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ। अलियम केमिस्ट्री चैनल आपको सबसे पहले अपडेट करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। बट स्टिल आपके पास यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, वो सब आप यहाँ पर रीड आउट करें। हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। सबसे पहले आप देखो, हमने इसे ओपन किया, ओके, तो ये जो हमारा नोटिस है इसको हम ओपन करते हैं। इस नोटिस में ये सीयूटी यूजी वाला नोटिस है। देखो यहाँ पर गाइडलाइंस लिख रखी है पीजी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ, ये देखिए आपको क्या करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन लिंक स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो ओपन नहीं हुआ, फिर आपको यहां पर जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस तरह से एक पेज ओपन होगा, ठीक है, जिसमें आप क्या कराएंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वेल, डेट मेंशन है, यू कैन सी दैट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन का रजिस्ट्रेशन डेट 23 जून से लेकर 15 जुलाई तक है। जिस बच्चे ने भी सीयूटी पीजी का पेपर दिया है, अब वक्त है कि उसे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वहां के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर उनका एक डाउट होगा कि हमारा भी रिजल्ट नहीं आया, तो ठीक है भाई, 15 जुलाई इन्होंने लास्ट डेट दे रखी है ना, आपका रिजल्ट 15 जुलाई से पहले आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका बीएचयू में सिलेक्शन हो सकता है, देखो ये चीज डिपेंड नहीं करती है कि हो सकता है नहीं सकता है, वो डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, अभी मार्क्स नहीं आया, बट हाँ, अगर आपने आपको एक है कि हाँ मैंने यहाँ पे कराना है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर यहाँ पे कराना। रजिस्ट्रेशन के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट जो ऊपर नज़र आ रही है, इसे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर पीजी का, जैसे जैसे मैंने इसे क्लिक किया, मैं आपको दिखाती हूँ साथ के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। देखो ये पोर्टल आ गया, 27 जून लिख दिया अभी इन्होंने, ठीक है, 27 जून से, यानी आज से ये शुरू हो गया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको कराना, 27 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो एवरी स्टूडेंट लिसन केयरफुली, जिस भी बच्चे को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। 27 जून से लेकर 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन कराने के कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पर आपको करना है सबसे पहले, आप तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, तो एक्टिवेट योर अकाउंट, क्लिक हियर, ये तो पासवर्ड के लिए, लॉगिन करो सबसे पहले और फिर रजिस्टर कराना। अभी मैं वो आपको पोर्टल वगैरह सब बताने वाली, उसको बैक करते हैं, ओके, तो मैं इसी में आपको सारा शो करूंगी। मैंने आपको लिंक बता दिया कि इस लिंक को जस्ट आप ओपन करेंगे तो वो वाला वहां पे आ जाएगा। ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 23 लिखा है बट अब 27 हो गया। यहाँ पर अभी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं आ रखा ना 27 जून पे, कल परसों तक यहाँ पर आ जाएगा। आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दबा देना। न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन प्रेस करने पर आपको ये सारी की सारी चीजें फिल करनी है, सारी की सारी चीजें फिल करनी है, जिसमें 12th आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर ध्यान से फिल करना, जो कि आपके सीयूटी पीजी के एडमिट कार्ड पर भी होगा और आपके एप्लीकेशन पर भी होगा। ये सारी चीजें ढंग से फिल करनी है, सारी चीजें पढ़ लो क्या क्या फिल करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में फिल करने के बाद आपके पास ऐसा डैशबोर्ड होगा, आपको चूज करना है कि भाई आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये सारी चीजें चॉइस फिलिंग आ जाएंगी। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल फिल करी जाएंगी, फिर एजुकेशनल, फिर डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर, सेलेक्ट द प्रोग्राम आपका 5th नंबर पर है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और आपका प्रीव्यू एंड कंफर्म। ये 7 थिंग्स आपको फिल करनी है सीयूटी पीजी रजिस्ट्रेशन 2023 फॉर द बीएचयू। अभी तक यूट्यूब पर कहीं पर भी ये चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी। अलियम केमिस्ट्री चैनल आपको सबसे पहले हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट देगा कि इस यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन निकाल लिया है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लो। क्योंकि सीयूटी पीजी के एडमिशन होने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तभी एडमिशन आगे होगा।
तो अभी आपको सबसे पहले अपडेट बताई गई है कि इस तरह से एप्लीकेंट में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने वाला है, ठीक है, प्रोग्राम वगैरह बता दिया। प्रोग्राम में तो आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो करेंगे, पेमेंट को कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पेमेंट के लिए अभी तो 0-0 बता रखा है, पेमेंट ऐसे डन करके और उसके बाद प्रीव्यू एंड करने के बाद आप अपनी रेफरेंसेज डाल सकते हो। सपोज आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MBA करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। पेड सीट होती है और पेड सीट है या बिना पेड वाली, पे दो होती है ना, यहाँ पे पेड होती है जिसमें आप खुद पैसे देकर एडमिशन कराएंगे। तो बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताना। हाँ, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं एक डेमो रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर पब्लिक डिमांड होगी तब मैं एक डेमो रजिस्ट्रेशन बना दूंगी, आपको करके दिखा दूंगी कि कैसे यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस तरह की हर एक अपडेट के लिए आप अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले CUT PG के एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट देने के लिए अलियम केमिस्ट्री आपके साथ है। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।